वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो तो थोड़ा लेट, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट कुछ इशू थे इसलिए वीडियो ये अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो नहाए खाए और मतलब जो कद्दू भात होता है और खरना का वीडियो मैंने आपको दे दिया था पिछले व्लॉग, जिसने देखे होंगे मेरे। तो अभी आज का मैं दोनों, जो सुबह का और शाम का जो अर्घ होता है, उसका मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा इस पर भी। तो यहाँ हम लोग मतलब इंतज़ार कर रहे थे सूरज ढलने का, ऑलमोस्ट ढल ही रहा था, सूरज ढल चुका था, मतलब अपने ढलने के लिए मतलब शाम हो ही गई थी। तो यहाँ पापा ये देखिए दौरा लेके आए थे। तो शुभम ये मौसी का बेटा है मेरा, तो वो थोड़ा सहारा देके ला रहा था क्योंकि अब पापा से भी बहुत कुछ मतलब उम्र होने पे थोड़ा सा हो ही जाता है, तो वो थोड़ा सा सहारा बस दे रहा था। और यहाँ पे हमने घाट को इस तरह से थोड़ा बहुत जो सजा पाए थे, क्योंकि एक तो हम लोग बहुत कम जने हैं, पर्व त्यौहार में जितने लोग होते हैं ना उतना ही कम होता है, और हम लोग तो वैसे ही कम थे, तो जितना हो सका उतना हमने किया। तो यहाँ पर बस मम्मी भी आ गई थी, अब पूजा वगैरह स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अभी मम्मी बस पूजा करने के लिए तैयारी कर रही है। इधर दौरा रखा हुआ है हमारे यहाँ, और बीच में बच्चों का पटाखा वटाखा भी साथ में हो रहा था। तो मतलब मम्मी ना दो सूप का अर्घ देती है, मतलब दो, एक जोड़ा फिर एक जोड़ा इस तरह से, तो दो अर्घ देती हैं दो बार। तो यहाँ पे सब कोई तैयार मस्त होके, वसु आयु सब कोई, उसके बाद से मैं भी तैयार, थोड़ा बहुत मैं तैयार हो गई थी क्योंकि टाइम इस दिन ना वर्ल्ड कप था, इस दिन वर्ल्ड कप था, आधा सबका मन तो वर्ल्ड कप पे लगा हुआ था। और लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, हम तो वैसे भी मतलब वर्ल्ड कप तो नहीं आ पाया हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी अपने इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब नेक्स्ट बार शायद हमारे पास वर्ल्ड कप आ ही जाए। तो यहाँ बस जो पहला सूप होता है, जो पहला जोड़ा सूप, उसको देने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैं हूँ, मैंने ये वाला सूट वेयर किया हुआ था। तो बस प्रोसेस तो आपको क्या ही बताना, आप देख ही लो। और पूजा पाठ थोड़े बहुत जहाँ पे भी होती है ना, तो वहाँ का माहौल मतलब थोड़ा अलग सा हो जाता है, तो मतलब बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए ये सब फल वगैरह थे दौरे में, और यहाँ मम्मी नहा रही है। वैसे तो ये पानी बहुत ठंडा तो नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल पानी होता है मोटर चला के, नॉर्मल पानी मामा ने इसमें भरा था, मतलब मेरे मामा ने, तो उतना ठंड नहीं था पानी, लेकिन फिर भी था। तो यहाँ बस मैं सिंदूर से यहाँ पर टीका वगैरह कर रही हूँ, उसके बाद फिर मम्मी को करूँगी, और उसके बाद सूप दूँगी अर्घ देने के लिए मम्मी को। तो ऐसा है, और ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही होंगे इसमें क्या कैसे और क्यों होता है, तो ज़्यादा कुछ विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिएगा। तो बस यही है।
तो ये सुबह के का वीडियो है। तो हम लोग सब कोई सुबह आ गए थे छत पे। इस समय 5 बज रहा होगा, 5 तो बज ही रहा होगा। उसके बाद से अभी सूरज देवता लालीपन तो आ गया था आसमान में, बट अभी सूरज देवता निकले नहीं थे क्योंकि इस दिन तो ये कुछ ज़्यादा ही भाव खाते हैं हमारे जो सूरज देवता हैं। तो मम्मी वेट कर रही थी सूरज उगने, मतलब उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, तो उगने का थोड़ा सा दिख जाते तब हम लोग अर्घ देंगे, ऐसा मम्मी वेट कर रही थी। तब तक इन लोगों का पटाखा सेशन चल रहा था, और एक पटाखा ना मतलब जो चरखी होती है वो, मतलब मैं खड़ी थी, वो आपको दिखेगा आगे, और वो चरखी ना मतलब चलते चलते ना फट गई, और वो मेरे दुपट्टे पे लग जाती है अगर मैं हटती नहीं तो, क्योंकि और दुपट्टा भी मेरा कॉटन नहीं था और उसमें फिर आग लगने का डर होता है। तो बहुत मतलब क्या ही बताएं, आजकल का पटाखा भी जलाने में डर लगता है। सुबह का टाइम था, बच्चों को नहलाया नहीं था, बस कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि मतलब बच्चों के लिए तो सर्दी थी ही, हमारे लिए भले ही ना हो तो ऐसा है। तो यहाँ सब कोई रेडी होके सुबह आ गए थे, यहाँ चरखी वगैरह चल रहा है और सबको ने खूब मस्ती की। यहीं ये वाला चरखी है, देखिएगा यहाँ पे मैं भागूंगी इतना तेज दौड़ के, और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि दीदी ऐसे भागी, देखिए ये उड़ के, आपने ध्यान दिया होगा ये उड़ के मेरे पास आया था, और सब हंस रहे थे कि भागी दीदी ऐसे जोर से, लेकिन क्या करते अब चोट लग जाता। और वैसे भी आपको, आपने दिवाली व्लॉग भी देखा होगा, मैं पटाखों से ना मुझे अच्छा लगता है बट मैं मतलब जला के बहुत दूर मतलब जल्दी से भागती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है ना पटाखों का भी, कब फट जाए तो ऐसा है। और सुबह पर मैंने ये वाली कुर्ती, जो लॉन्ग कुर्ती है, मैक्सी ड्रेस इसको कहते हैं, वो वेयर किया है। तो ये कैसा लग रहा बताइएगा। यहाँ पे दिया वगैरह मैं जला के रेडी रख रही हूँ कि जैसे ही सूरज देवता का दर्शन होगा फिर हम लोग अपना अर्घ का जो भी है वो शुरू कर देंगे। और बस मैं बार बार देखे जा रही थी, और अभी तक अब मतलब दिख गए थे हमारे सूरज देवता, आपको ये देखिए थोड़े से दिख गए थे यहाँ पे। तो मम्मी फिर अंदर पानी के अंदर चली गई थी। और इस दिन का ना आप कभी गौर करना, मतलब जब भी छठ में, तो इस दिन का मतलब जो सूरज का जो रोशनी होता है वो थोड़ा आपको अलग दिखेगा। मतलब एक होता है ना जैसे हमारा बर्थडे होता है, और बर्थडे पे आप एक अलग से एनर्जी के साथ, एक अलग आपका मतलब थोड़ा ग्लो आ जाता है चेहरे पे, इस टाइप का, मतलब मैं बोलना क्या चाह रही हूँ आप लोग समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा अलग दिखते हैं सूरज देवता। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बस मम्मी पहला सूप, मतलब जो जोड़ा सूप है उसके देने के लिए तैयार थी, और बस यहाँ पे हम लोग अर्घ दे रहे हैं। ये देखिए दूध का अर्घ दिया जाता है, वैसे तो दोनों टाइम हम लोग दूध का ही अर्घ दिए थे, और लास्ट में एक बार पानी का अर्घ दे दिया जाता है। तो बस मम्मी मस्त एकदम पूजा हो गया था, मतलब मम्मी ना वो मतलब छठ पूजा करने के लिए ना इसके मुंह से कभी नहीं निकलता है कि हाँ अब शरीर काम नहीं कर रहा है, अब नहीं कर सकेंगे, नहीं करेंगे, ये कहती कि नहीं हो जाएगा। और सही बात है, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। यहाँ पे मैं वही कह रही थी कि उतार पकड़ ले क्या, तो कह रही है कि नहीं नहीं हो जाएगा। तो वही मैं अभी मजाक कर रही थी कि पूजा करने के बाद एनर्जी आ गई है, अपने से सब कुछ करना चाहती है। तो वही है, यहाँ पे फिर पूजा होने के बाद ना हुमाद देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हुमाद मम्मी के देने के बाद सबने हुमाद वगैरह दिया था, यहाँ बच्चे हैं फिर मैंने सबने हुमाद दिया था। उसके बाद फिर सबको प्रसाद मिला, फिर सब मतलब जो मम्मी जो ये साड़ी पहनी है उससे सबका, उसके आंचल से सबका मुंह पोछते हैं हम लोग, जैसे आँख और चेहरा पोछा जाता है। तो ऐसा है, ये सब रिचुअल्स हमारे बिहारी मतलब बिहार में, झारखंड में जो भी होंगे उनको पता होगा। वैसे तो मतलब छठ पूजा जैसे मतलब हर जगह एक जैसा ही होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो रिचुअल्स हैं वो मतलब अलग हो जाते होंगे, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और ये वाला साड़ी मम्मी ने वेयर किया था मतलब नहाने के बाद, सारा पूजा होने के बाद ये मौसी लेके आई थी। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग ना जैसे गंगा पूजते हैं, जैसे कहते हैं यहाँ तो गंगा है नहीं तो गंगा पूजते हैं, तो मिट्टी से ऐसे 7 बार ऐसे कुछ करके पूजा होता है। तो वही मम्मी कर रही थी। तो बस अब पूजा वगैरह हो गया था, और हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि मम्मी को भी सर्दी लग रही होगी। और यहाँ देखिए मौसी सबको आंचल से ऐसे, अब मुझे ठंडी लग रही थी, मैं ऐसे कर रही थी, बड़ा तेज़ ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे मौसी सबका ऐसे मुंह सबका पुछवा के
फिर सारा काम यहाँ ऊपर का हो गया था, उसके बाद यहाँ मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि खाना बस हमने कद्दू की सब्जी और साग इतना कुछ हम बना के गए थे और दाल बस। उसके बाद फिर मैं आई फटाक से आलू गोभी की सब्जी बनाई, क्योंकि तुरंत मम्मी खाती भी नहीं है, मम्मी कही थी कि लेट से बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो ये था छठ का व्लॉग, कैसा लगा बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हाँ थोड़ा लेट हो गया है, बट फिर भी आपके लिए वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ इसको प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो वाला कपड़ा पहन के काम नहीं हो पाता। तो ऐसा है, एक तरफ चाय बन रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम है, सबको चाय 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 चाहिए होता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।